Namaste everyone. Welcome back to my channel and happy Navratri to all. आप सभी जहाँ भी रहते हैं, इंडिया के जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर जैसे नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है तो आप सभी उसमें इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोग दुर्गा पूजा में बिजी होंगे, गुजरात में रहने वाले लोग गरबा और दांडिया में बिजी होंगे, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 9 दिन फास्ट भी किया जाता है, और फास्ट में हम कुछ अलग खाना खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ कुछ व्रत की रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत की थाली, जिसमें स्वीट डिश भी है, स्टार्टर भी है, सब्जी भी है और पूड़ी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टर के लिए पनीर को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए हम 2 चम्मच दही लेंगे, उसमें चिली पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, ये उपवास का नमक है, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और उसे मिक्स कर देंगे, और इसमें हम पनीर को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। पनीर मैरिनेट होने के लिए हम रख देते हैं, और जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है हम खीर की तैयारी करते हैं। खीर बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 500 मिलीलीटर दूध डाला है, और हम आज खीर जो है वो उपवास में जो चावल खाया जाता है, जिसे सावा बोलते हैं, मोरियो बोलते हैं, के बना रहे हैं। उसमें हम 2 बड़े चम्मच चावल डालेंगे, और उसे साइड में पकने के लिए रख देंगे। और हम सब्जी की तैयारी करते हैं। तेल डाला हमने, आज हम दही वाले आलू बना रहे हैं। जीरा डाला, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाली। थोड़ा फ्राई होने के बाद हम उसमें करी पत्ता डालेंगे, ये करी पत्ता का पाउडर है, और हम मसाले जितने भी डालने वाले, नमक, मिर्च और गरम मसाला, उसे हम एक पानी में घोल कर डालेंगे, जिससे कि मसाला तेल में जले नहीं। स्वादानुसार मसाले लेकर हम उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक मसाले का घोल बना लेंगे। और हम उसे तेल में डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब हम उसमें दही डालेंगे। दही डालने के समय आपको गैस बंद कर देना है, नहीं तो कभी कभी दही फट जाता है। और फिर आलू डालेंगे, आलू हमने बॉईल करके रखे हैं, अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम उसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, और हम साइड में अपनी खीर पर भी ध्यान रखेंगे। खीर में जो हमने चावल डाले थे वो पक चुके हैं, अब हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं, और चीनी डालेंगे। ये इलायची है जिसे हम थोड़ा क्रश करके डाल देंगे, और अब हमारी खीर भी रेडी है। सब्जी भी बन चुकी है, उसमें हम कोरिएंडर डाल देंगे, सब्जी भी हमारी रेडी हो चुकी है। पनीर मैरिनेट हो चुका है, उसमें मैं ये जो डाल रही हूँ वो पोटैटो स्टार्च है, जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, और फिर हम उसे एक नॉनस्टिक पैन पर शैलो फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक तरफ से पकने के बाद हम उसे पलट देंगे, और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसे शैलो फ्राई करेंगे। अब हमारा पनीर भी रेडी है,
अब हम पूरी की तैयारी करते हैं। पूरी के लिए हमने रामदाना या राजकरा, आप जो भी बोलते हैं, वो आटा लिया है। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और बॉयल पोटैटो जो मैश करके रखे वो डालें। पोटैटो डालना ज़रूरी है, नहीं तो आटा बाइंड नहीं होता है, जो हम डो बनाएंगे वो बाइंड नहीं होगा, इसलिए पोटैटो कंपल्सरी है डालना। और थोड़ा सा पानी डालकर हम उसे मिक्स कर लेंगे। हमारा डो रेडी है, अब हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ियाँ बनाते समय हमें थोड़ा बेलते समय ध्यान रखना है। आटे की पूड़ियों की तरह ये पूड़ियाँ बहुत फूलती नहीं है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी होती है। अब पूड़ी भी बन के रेडी है, तो हमारी व्रत की थाली खाने के लिए तैयार है। तो देखा आपने, क्विक एंड टेस्टी व्रत की थाली तैयार है। माँ दुर्गा आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।